जय जयकार, ढोल ताशे की आवाज और नारों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। जेल के सामने भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। केजरीवाल के बाहर निकलते ही कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। केजरीवाल ने गाड़ी से ही उत्साही भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें। उन्होंने जमानत मिलने पर भगवान हनुमान को भी धन्यवाद दिया। कुछ ऐसा ही नजारा केजरीवाल के घर के बाहर भी था। लोग उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे, लोगों ने आतिशबाजियों के साथ उनका स्वागत किया। यहां भी केजरीवाल ने मोदी सरकार की आलोचना की और लोगों से समर्थन देने की अपील की। आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। विवादों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है ताकि वे लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले सकें, लेकिन कोर्ट ने उनके दफ्तर या दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा रखी है। बेहद जरूरी मामलों में जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी ना मिले, वे आधिकारिक फाइलों पर भी दस्तखत नहीं कर सकते। See, the court pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, so we do not know the exact contents of the written order. But insofar as the court pronounced the oral order in court, that they said that they are releasing Mr. Kejriwal on an interim release slash bail until 2nd of June. And there are no conditions in as to what he can say and what he cannot say during the campaigning process and while he is out in this 2022 days. केजरीवाल की रिहाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विपक्षी गुट इंडिया ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया। नेताओं ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से विपक्षी गठबंधन को काफी मजबूती मिलेगी। ये केंद्र में सरकार बनने की दिशा में मजबूत कदम होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। फाइनली अरविंद केजरीवाल जी गॉट एन इंटरिम बेल फॉर 21 डेज। दिल्ली इज हैविंग इज इलेक्शन ऑन 25th ऑफ मे। इट्स नॉट ओनली दिल्ली और पंजाब वेयर द आप इज हैविंग देयर गवर्नमेंट। It's not only Delhi or Punjab who is going to be benefited. Arvind Kejriwal's bail will give a tremendous impetus to the India alliance as a whole
and it will boost, it will energize the entire opposition alliance, and the final going out of NDA, leaving space for India alliance to form the new government in our country, is just a matter of time. वहीं बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलने का उनके चुनाव अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका आम चुनाव पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दोषी है। चुनाव कैंपेन के लिए बेल मिली है, तो ये कोई कोर्ट का फैसला तो है नहीं कि उसमें जो है बरी हो गए हैं या सजा याफ्ता हो गए हैं, तो चीजें तो जस की तस हैं, मामला जस का तस पेंडिंग है। कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है, जो लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि ये गिल्टी थे, या जिन लोगों ने ये मन बना रखा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उन पे इस बात का क्या फर्क पड़ेगा। चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है, तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं, और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के तहत 7 में से 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है।